जेई में 2018 का एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, स्पेशली फिनॉल का। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म प्रोडक्ट ए। ए रिएक्ट्स विद Br2 टू फॉर्म प्रोडक्ट बी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आप देखें, इसका चार ऑप्शन है, ए के लिए, बी के लिए, दिस 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 दिस, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH विल बिकम फिनॉक्साइड, दिस वे फिनॉल विल बिकम फिनॉक्साइड। और इस फिनॉक्साइड पर अगर क्लोरोफॉर्मेट की रिएक्शन करवाएं, अगर आपको ये फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम आएगी तब बहुत दिक्कत होगी। ऐसे तो ये एक SN2TH रिएक्शन है, पहले तो ये अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड O का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड जब वापस आएगा तो Cl बाहर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट इज़ एन SN2TH रिएक्शन वेयर TH इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट विच विल बी फॉर्म्ड ऑन अटैकिंग, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ऐसे OPH इधर से आ जाएगा अटैक करके, Cl यहाँ है और OCH3 यहाँ है, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। एंड एज सून एज दिस सी डबल बॉन्ड ओ विल कम बैक, आई मीन द पाई बॉन्ड ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ विल कम बैक, दिस Cl माइनस गोज। तो हमने क्या करा, हमने ये बताया कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और Cl निकल जाता है, लेकिन वो एक्चुअली इस रास्ते से निकलता है। ये है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जिसके लिए हमने रिएक्शन के नाम में TH लिख रखा है, ठीक है ना। तो क्या बन गया साहब, तो ये बन गया OCOOCH3, दिस इज प्रोडक्ट ए। अब इस प्रोडक्ट ए की रिएक्शन, ये तो पहली रिएक्शन थी फिनॉल की, फिर उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ए की जो रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बन गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, राइट। इन्होंने कहा इस प्रोडक्ट की रिएक्शन हम Br2 से करवाएंगे। तो आपको तो पता है कि अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी रिंग पर होगी, तो ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करेगा, जो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है ये डिसाइड करेगा कि ये हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आ जाएगा या पैरा पर जाएगा या मेटा पर जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है +m > -i, ठीक है ना। तो अब जाहिर है कि ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में भी ऑर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा ये इसके आई इफेक्ट से डिसाइड होता है। इसका माइनस आई ऑर्थो पर एप्लीकेबल है, ऑर्थो पर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रखी है, लेकिन प्लस एम तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं। आई इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट्स माइनस आई इज इफेक्टिव एट ऑर्थो, स्लाइटली इफेक्टिव एट मेटा, पैरा तक पर आते आते मिनिमाइज हो जाता है। प्लस एम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ऑर्थो पर जितना प्लस एम लग रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए उतना ही प्लस एम पैरा पर भी लग रहा है, लेकिन माइनस आई ने ऑर्थो पर थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवा रखी है, इसलिए अब ये जो प्रोडक्ट होगा मेजर वो पैरा पर होगा, तो अटैक होगा ब्रोमो का पैरा पर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बी होगा वो होगा प्रोडक्ट ए के पैरा पोजिशन पर ब्रोमो लगवा दें, वो वाला प्रोडक्ट होगा ये। सो दिस इज प्रोडक्ट बी। तो इसलिए हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, नोट करें।